जनता की आवाज उत्तर प्रदेश बरेली न्यूज। दलित नाबालिग किशोरी को लेकर ग्राम का दबंग युवक फरार। घटना जनपद बरेली थाना हाफिजगंज के ग्राम भंडसर की है, जहां एक दलित परिवार 16 वर्षीय नाबालिग लक्ष्मी किशोरी को ग्राम का ही आकाश पुत्र रामवीर बहला फुसला कर ले गया। किशोरी की मां चंद्रकली पत्नी सत्यपाल निवासी भंडसर थाना हाफिजगंज जिला बरेली की है। दिनांक 17 अक्टूबर 2023 को आकाश पुत्र रामवीर बहला फुसला कर ले गया था। परिवार द्वारा मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है। घटना के 3 दिन बाद किशोरी को पुलिस ने बरामद कर लिया है। वर्तमान में किशोरी नारी निकेतन में निरुद्ध है। नारी निकेतन में किशोरी को 10 दिन से अधिक का समय हो चुका है। अभी तक पुलिस द्वारा किशोरी को न्यायालय में बयान के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया है। नामजद मुलजिमान खुले आम घूम रहे हैं। इनके साथी कृष्णपाल, पंकज पुत्रगण रामकिशोर उर्फ नथुलाल एवं प्रकाश पुत्र डालचंद्र लगातार किशोरी के परिवार वालों का शारीरिक व मानसिक रूप से व सामाजिक रूप से उत्पीड़न व शोषण कर रहे हैं। बार बार पीड़ित मां चंद्रकली के दरवाजे के आगे बुलेट मोटरसाइकिल जिसमें पटाखे की आवाज होती है को लाकर तेज आवाज में फोड़ते हैं तथा ऐलानिया धमकी दे रहे हैं कि तूने रिपोर्ट लिखा कर क्या कर लिया, तेरी लड़की अभी भी नारी निकेतन में बंद है। जबकि हमारा लड़का आकाश खुले आम घूम रहा है। हमारी पुलिस में अच्छी पकड़ है। हमारा पुलिस कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी और लगातार सामाजिक रूप से अपमानित कर रहे हैं तथा जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। डराने धमकाने की नियत से नामजद अभियुक्त दिनांक 26 अक्टूबर 2023 की रात 10 बजे नाजायज असलेह तमंचा लाठी डंडा लेकर चंद्रकली के घर के अंदर घुस आए और मारपीट व गाली गलौज भी दी तथा जान से मारने की धमकी दी। शोर होने पर पड़ोस के चंद्रपाल सिंह पुत्रगण खेमचंद्र छोटे लाल पुत्र भोगीराम मौके पर आ गए, जिन्होंने चंद्रकली व उसके परिवार वालों को मुलजिमानों से बचाया। चंद्रकली का कहना है कि मुकदमे में पुलिस की भूमिका संदिग्ध प्रतीत हो रही है, क्योंकि मुलजिमान व उसके परिवार वाले व रिश्तेदारों ने पीड़ित परिवार का जीना हराम कर दिया है। तरह तरह की उल्हाना व ताने देते हैं। यदि पुलिस की निष्क्रियता इसी तरह बनी रही तो मजबूरन पीड़ित परिवार को उस गांव से पलायन करना पड़ेगा और इसकी समस्त जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। प्रस्तुत है संवाददाता सत्य कुमार की रिपोर्ट। लड़की की है तो लड़की की 16 साल है। लड़के की या लड़की की? लड़के की है, लड़के की। हमारी लड़की की जो है 16 साल उम्र है। 16 साल आपकी लड़की की है और उस लड़के की कितनी उम्र होगी? 22 साल की उम्र है। अच्छा, 22 साल की उम्र है आपकी। जो लड़की है वो नाबालिग है? हाँ, नाबालिग है। ठीक है, तो फिर क्या हुआ? फिर यही हुआ, मान लो हमने मारा तोड़ा तो नाराज हुई थी, तो हमने कही हमने चलो कोई बात नहीं है, मारो तोड़ो मत, हम बाहर थे तो कोई बात नहीं, 2 दिन के लिए हमने अपने हटा दिया लड़की को, हमने चलो कोई बात नहीं। मान लो रात में किसी टाइम मामा आए थे तो भी मतलब गलत बात है। तो उसके बाद में फिर हमने भेज दिया, तो वहाँ से मतलब फिर आई एक हमारे घर पे, उसी रात में हमने यहाँ से निकल गई। अच्छा, उसी रात में निकल गई? उसी रात में निकल। कौन ले गया था? कोई लड़का ले गया था। क्या नाम था लड़के का? आकाश। आकाश ले गया था? आकाश ले गया, तो उसने अपने फुफेरे भाई के घर में, अच्छा फूफा बुआ फूफा के घर में रखा था उसने 3 दिन। 3 दिन के बाद में हमें खबर मिली चौकी से कि लड़की तुम्हारी मिल गई है, और मिलने के बाद में अपनी लड़की से मिल लो जाके। अच्छा। हमें कहीं नहीं मिला, हम आश्रम में जाके मिले हैं। आपने थाने में सूचना करी थी? हाँ सर, हमने थाने में भी सूचना करी है, थाने में भी सूचना की है हमने, सब बातें हैं। अच्छा, और उसके अलावा हमसे आप मान लो पैसे भी मांग रहे हैं। कौन मांग रहा है? दरोगा जी मांग रहे हैं पैसे। कितने रुपये मांग रहे हैं? पहले 2000 रुपये हम दे चुके थे, 5000 और मांग रहे हैं हमसे। किस लिए? इसीलिए कि वो मतलब जो हमने मुकदमा दायर कराया था, वो मुकदमा की जो हमसे मतलब वो मिली है कॉपी, उस कॉपी की हमें जब ही मिलेगी वो कॉपी, जो हमें वो हम पैसे देंगे जब। अच्छा, मुकदमे की कॉपी वो 5000 रुपये मांग रहे हैं? 5000 रुपये मांगे हैं। और बोल रहे हैं मेरा यहाँ खर्चा हुआ, वहाँ खर्चा हुआ, मैंने 2-3 हज़ार रुपये खर्च कर दिए हैं। प्रधान जी कौन है आपके गाँव के? प्रधान जी नन्हे प्रधान है। नन्हे प्रधान जी? प्रधान जी आपकी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? हाँ कर रहे हैं सपोर्ट हमारी, मगर वो ऐसी सपोर्ट कर रहे हैं, हमें ले भी गए वहाँ कचहरी, वकील से लिखवाया था सारी मतलब तहरीक लिखवाई थी।
अच्छा, आप क्या चाहते हो? आप हम ये चाहते हैं कि लड़की हमारे फेवर में आए। अच्छा, आपको मिलनी चाहिए लड़की? हमें लड़की मिलना चाहिए और लड़कों की सजा होना चाहिए। लड़की हमारी जेल में है। अच्छा, क्या नाम है आपका? चंद्रकली। चंद्रकली, चंद्रकली जी कहाँ रहते हो आप? घर सर। तो क्या विवाद है बताइए? कि घर में घुसो। कौन घुसा था? वो आकाश, वो लौड़ा। ठीक है फिर। हाँ, लौड़ा घर में घुसो तो लड़की पर हमला करा। हाँ। तो जब मेरी आँख खुली, मो डंडा लेके भागी, तो ऐसी माई भाग के गया। जब सवेरे को जब पता चली तो मैं अपनी भाभी को बुला के लाई। भाभी को बुला के और मैंने अपना लड़का उनके घर पे भेजा। मैंने उसके माँ बाप को बुला के ला और उस लड़के को बुला के ला। अगर तेरी गलती है कुछ तो कोई नहीं आया मेरे घर पे। फिर मैं रिठौरा गई चौकी पे। चौकी पे हाँ, इतला लिखवाने। ठीक है फिर। तो हम से आए, देखो पुलिस वाले आए, उनने देखा भारा। फिर मेरी लड़की, मैंने गुस्सा में मारा उसे, लड़की को। अच्छा, तो उसके बाद हाँ, पुलिस वाले आए तो लड़के घाई से कह रहे। अच्छा अच्छा, उसके हाँ, बाद लड़के की तरफ क्या रहे हैं? क्या हाँ, कह रहे हैं? लड़के की तरफ ये कह रहे हैं कि देखो क्यों मार रही हो, क्यों तोड़ रही होगी। तो मैंने, मेरी लड़की, अगर मेरी लड़की ने गलत कदम उठाया है तो मैं मार भी दूंगी, जान से मार दूंगी, तुम कोई नहीं होते है कहीं मारे। फिर क्या बोले? हाँ, तो फिर ले गए काका। तो फिर लड़की हुआ भेज दई भाभी के घर आए। तो हमन से लड़की को ले गए भाभी के घर से। गायब हुई है? हाँ, चार दिन। हाँ, चार दिन रखी हुई। कहाँ है आपकी भाभी का घर? उस लड़के ना है, अपनी अपनी बुआ के घर है। चार दिन रखी लड़की गायब। बुआ का घर कहाँ है उसके? सड़क पर। फिर उसके बाद में जब हमने हमला करो, हम चौकी पे फिर से गए, तभी हमारी लड़की को बरेली यानी रिठौरा कहाँ पर करके आए बताया। तो रिठौरा रहे वैसे बरेली। हाँ, हाजिर करके आए लड़की को। तो पुलिस वाले ने हमारे दौरे फोन करो। अब क्या चाहते हो आप? हम ये चाहते हैं कि हमारी लड़की हमारे दौरे आ जाए। अच्छा, लड़की चाहते हो आप? हम लड़की चाहते हैं। अच्छा, और इन लोगों की सजा हो। अच्छा, सजा हो इन लोगों। हाँ, इन लोगों। कितना दिन हो गए लड़की को गायब हुए? लड़की को आज देखो दस, चार दिन तो उनके घर पे रही और चार दिन के बाद आज दस दिन हुए गए महिला थाने में। दस दिन हो गए? हाँ, दस दिन हो गए। दस दिन से अभी कोई रिपोर्ट वगैरह नहीं, मेडिकल वगैरह कोई भी नहीं मिली है? कोई पुलिस वाला नहीं आया मेरे घर पे। अच्छा अच्छा। और आप लोग मैं घर बकरी में कोई बात कहती हूँ तो लड़न को एक बार एक फेरा पकड़ा। फिर उसके बाद में फिर नहीं पकड़वाया उसके फेरे भैया ने छुड़वाया। अच्छा, आप बोल लिया क्या बताइए? एक बार पकड़ा था सर जी, जिस दिन हमने रिपोर्ट लिखवाई थी उसी दिन शाम को ले गए थे। दिन में पकड़ के तो हाफिजगंज थाने से शाम को नवाबगंज तहसील से, पता नहीं नवाबगंज से या मतलब थाने ही से उसकी जमानत होगी, वो घर चला आया। अच्छा, लड़की जो पकड़ी गई है वो इसी के साथ पकड़ी गई थी? ना, साथ में नहीं पकड़ी गई थी। हाँ। मतलब वो पहुंचा के आया था, लोगों ने दबाव डाला कि ऐसा है उनकी लड़की, अगर तुम्हारे पास में हो तो हाँ। उनके हवाले कर दो न, तुम जान आफत में पड़ जाएगी तुम लोगों की। तो हाँ। इन लोगों ने हमारे हवाले नहीं करी, हुआ पहुंचाया है इनने। ये कि आपको कैसे पता कि वहाँ पर? हमें पुलिस वालों ने बताया, हमारे पास फोन करा कि तुम्हारी लड़की मिल गई, हमारे पास आए थे यहाँ पे। कौन नहीं, ये किसने बताया कि कौन करके गया वो वहाँ पर? नहीं, ये नहीं बताया, जो नहीं बताया पुलिस वालों ने। तो ये कैसे आपको पता था कि इन्हीं के पास है, ये कंफर्म है? हाँ, ये हमें पूरा भरोसा है, इसलिए भरोसा है हमें कि हमने हमारी लड़की जो कपड़े ले गई थी, पांच जोड़ी अच्छे अच्छे कपड़े और 5,000 का ओम पहने हुई थी और जेवरी पहने हुई थी, उसके बाद में मतलब जो है वो लड़की के पास खाली चुन्नी हमारे घर की और एक सलवार थी उसके पास में, और ना ही ओम था और ना कुछ था। कुर्ता उसी परिवार का था, उस घर वालों का। अच्छा, कुर्ता जो कपड़ा था वो पहचान लिया? हाँ, जो पहचान लिया।